भाई साहब आप हेलमेट क्यों नहीं लगा के आए? बस लोकल की झंडी थी इसलिए नहीं लगा पाया, लॉन्ग रूट पे तो लगाते हम। क्या चलान भी होना चाहिए आपका, मानते हैं? हाँ कर सकते हैं, स्वतंत्र है पुलिस विभाग, लेकिन क्या भाई साहब हेलमेट कहाँ है? सर हेलमेट कमरे में रखे जी, कमरे में रखे हेलमेट सर। तो कमरे पे हेलमेट है और आप बाइक दौड़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? यही आराम से चल रहा है मैं सर। और अगर गिर गए तो? कोई ना, आगे से रखूँ सर, आगे से होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक नियमों का पालन मुस्तैदी से होगा, जागरूक माह लगातार चल रहा है। पूरे नवंबर अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे तो आपका चालान कटना तय। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो लगा लीजिए, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी में है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो हेलमेट उन जिनके पास नहीं है, सबसे पहले तो स्टिकर लगाकर उनको जागरूक किया जा रहा है, और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मान रहा तो उसका चालान कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं खुद, बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं जिसमें लिखा है कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है। तो ये तस्वीरें हैं, तमाम लोग हैं लेकिन हेलमेट फिर भी नहीं पहनते। भाई साहब आप हेलमेट क्यों नहीं लगा के आए? बस लोकल की झंडी थी इसलिए नहीं लगा पाया, लॉन्ग रूट पे तो लगाते हैं हम। अच्छा, लॉन्ग रूट पे लगाते हैं लेकिन लोकल में? हाँ। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि पुलिस के डर से हेलमेट लगा लिया, बाकी अपनी जान की कोई कीमत? नहीं नहीं, जान की पूरी कीमत है, ऐसा कुछ नहीं कि पुलिस के डर से लगाया जाए हेलमेट। अच्छा, अब तो जागरूक माह चल रहा है, अब क्या आगे से हेलमेट लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे। तमाम अधिकारी हमसे बातचीत करते हैं। सर किस तरीके से देखते हैं आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, क्या जागरूकता आएगी और लोग हेलमेट पहन रहे हैं, और उसके बाद भी अगर लोग हेलमेट नहीं लगा रहे तो क्या कार्रवाई हो रही है? जी, जागरूकता के जो प्रयास किए जा रहे हैं निरंतर यातायात माह में, इससे जागरूकता निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता आ रही है, और यातायात नियमों के प्रति, सड़क सुरक्षा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, और साथ साथ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। पहले आज ये स्टिकर लगाए जा रहे हैं, बाद में चालानी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन चालानी कार्रवाई से ज़्यादा ज़रूरी जागरूकता है, ताकि लोग जागरूक हों और स्वतः उनमें सड़क अनुशासन की भावना आए और वो हेलमेट लगाएं, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, यही यातायात पुलिस का प्रयास है। दो पहिया वाहन पर कार्रवाई हो रही है या फिर जो चार पहिया है, कार हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है? दो पहिया वाहनों पर कार्रवाई हो रही है, चार पहिया वाहनों पर बगैर सीट बेल्ट लगाए जो लोग चल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो व्हीकल चला रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, टेम्पो हैं, वो ओवरलोड जो ज़्यादा सवारी बैठा कर ले जा रहे हैं, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है निरंतर रूप से। कब तक ये अभियान इसी तरीके से चलेगा? पूरे यातायात माह चलेगा अभियान के रूप में, और उसके बाद भी निरंतर ये प्रक्रिया जारी रहेगी, चालानी प्रक्रिया। हमारा प्रयास है कि लोग जागरूक बने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, सड़क अनुशासन लोगों में पैदा हो। वाकई, तो तेज प्रताप जी ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और जागरूक लोगों को किया जा रहा है, जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनको लगातार जागरूक किया जा रहा है, और कुछ लोग जो हैं हेलमेट लगाकर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे भी तमाम लोग हैं जो बिना हेलमेट के लगातार इसी तरीके से चल रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुधर जाइए वरना फिर एक्शन होगा, और अब यूपी पुलिस उसी मुस्तैदी से नजर आ रही है। लोग बिना हेलमेट के धड़धड़ाते मोटरसाइकिल जा रहे हैं। भाई साहब हेलमेट कहाँ है? सर हेलमेट कमरे में रखे जी, कमरे में रखे हेलमेट सर। तो कमरे पे हेलमेट है और आप बाइक दौड़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? यही आराम से चल रहा है मैं सर। और अगर गिर गए तो? कोई ना, आगे से रखूँ सर, आगे से होगा। तो चलिए आगे से होने की बात कह रहे हैं, लेकिन हेलमेट इनके पास नहीं है, बड़ी बड़ी बाइक्स मोटरसाइकिलें सब यहाँ पर हैं, और तमाम लोग जो हैं वो सीट बेल्ट भी नहीं प्रयोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि बिना सीट बेल्ट के लोग जाने को तैयार है। इधर आप देख सकते हैं इनके पास भी हेलमेट नहीं है और बिना हेलमेट के लोग लगातार जा रहे हैं। भैया हेलमेट क्यों नहीं लगाया? आपकी सुरक्षा है, हंसी आ रही है, हेलमेट रह गया। अरे जी आपने भी नहीं कहा कि हेलमेट तो लगा लो भाई, पता नहीं है? पुलिस मुस्तैद है। हाँ जी, सिर्फ डर के लिए हेलमेट है क्या? सुरक्षा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए। नहीं, गाड़ी सर्विस पे दी थी हम बैठे। अच्छा। तो बहाने बहुत हैं, बहाने बहुत हैं, तो बहानेबाजी भी लगातार देखी जाती है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार लोग कब जागरूक होंगे और कब वो सुधरेंगे। ये देखिए आप, इधर भी तमाम लोग हैं, एक दो नहीं पूरा का पूरा जत्था है जो बिना हेलमेट के इसी तरीके से जाता दिख रहा है। लोग हैं, पुलिस है, वो लगातार लोगों को जागरूक करने में लग रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तमाम आलोचना आप करते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए भी आप यूपी पुलिस को आप देख सकते हैं कि बिना हेलमेट के लोग जाते हुए, और स्टिकर मांग रहे हैं। भैया स्टिकर से काम चल जाएगा क्या? नहीं, आज ही सही हेलमेट लगाना चालू कर रहे हैं। सच में क्या? सच में, पुलिस के सामने? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, हम तो कुछ। अच्छा क्यों जी? हेलमेट जरूरी है, हेलमेट जरूरी है। क्या चलान भी होना चाहिए आपका, मानते हैं? हाँ कर सकते हैं, स्वतंत्र है पुलिस विभाग, लेकिन क्या सिर्फ स्टिकर से आप जागरूक हो जाएंगे अगली बार?
नहीं, जो मैंने हेलमेट दिया, मैंने किसी बच्चे को सुरक्षित रहने के लिए उसको हेलमेट अभी बना दिया अपना। अच्छा, आप ऐसा सोशल काम भी कर रहे हैं। हाँ जी, मैं दोबारा ले लूँगा और 500-700 रुपये का हेलमेट है। चलिए, विश्वास किया जा सकता है। क्यों जी सर, विश्वास किया जा सकता है कि जो इस तरीके, बिल्कुल विश्वास किया जा सकता है और इसीलिए इस विश्वास के ऊपर ये स्टिकर लगाए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों, स्वतः अनुशासन की भावना आए, अपनी जान की कीमत लोग समझें, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। वाकई वाकई लोग अपनी जान की कीमत समझें और सड़क दुर्घटनाओं में इसी तरीके से कमी आए। तो लगातार उम्मीदें हैं कि अब उत्तर प्रदेश में अगर आप बिना हेलमेट के निकल रहे हैं तो हेलमेट डाल लीजिए, क्योंकि कार्रवाई जबरदस्त तरीके से होने वाली है और आपकी जान भी तो कीमती है। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ नवीन चौहान, सहारनपुर, हेडलाइंस इंडिया।